गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत हम लोग क्या क्या यूज होगा वो मैंने आपको बता के रखा था। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, डी ऑर्बिटल का क्या है वो जानना चाहिए, और भी बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता के रखा था। तो इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारा लेक्चर नंबर 0 था जिसके प्रीवियस वाला, आज लेक्चर नंबर 1 से शुरू होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें सबसे पहला चीज़ पढ़ना है हमको सॉल्ट, डबल सॉल्ट पढ़ना है, और हमको पढ़ना है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आज चलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए चैनल के साथ बने रहिए और हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहले बात करेंगे मैं डबल सॉल्ट को, आपने सॉल्ट नाम तो सुन के रखा है। अगर हम सिंपल सॉल्ट की बात करते हैं तो कहता है इट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसको क्या बुलाते हैं आप, सॉल्ट बुलाते हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारे जो चैप्टर कवर कर रहा है खासकर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो हमको डबल सॉल्ट भी जानना जरूरी है कि डबल सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंसेज बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहला बात है कि डबल सॉल्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, डबल सॉल्ट एक होता है डबल सॉल्ट। देखिए डबल सॉल्ट का मतलब ये है कि ऐसे सॉल्ट जिसके कि जो कि दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग डबल सॉल्ट। तो कह सकते हैं सॉल्ट दीज आर द सॉल्ट सॉल्ट विच इज सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय जो बनता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय या फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट दो और मोर सॉल्ट इन कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, एक फिक्स रेशियो में रहना चाहिए। एक फिक्स रेशियो में अगर दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट को मिला है तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? एक फिक्स रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है वैसे जो कि आप पढ़े हो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को जो फॉलो करता है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में होना। जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर है, तो वाटर बनने के लिए हमारा दो एटम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, फिक्स है, समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर कोई सॉल्ट बनाना है हमको तो एक फिक्स रेशियो में अदर अदर सॉल्ट लेंगे, कोई अलग अलग सॉल्ट लेंगे, उसकी रेशियो फिक्स होनी चाहिए, तब जाके हमको डिजायर्ड सॉल्ट मिलता है जो हमको बनाना है। वैसे एग्जाम्पल बात करते हैं कि डबल सॉल्ट का, पहला आपने देखिए ध्यान देंगे कि एलम जिसको बोलते हैं ALUM एलम। तो मैं बात करूं कि एलम का फार्मूला क्या होता है, तो एलम का जो फार्मूला होता है पोटासियम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2 जिसको इसको बोलते हैं एलम बोला जाता है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। और भी मैं बात बताऊँगा डबल सॉल्ट के बारे में, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। अगर बात करूँ बनाने का तो हम लिख सकते हैं K2SO4, अलग अलग लिख दीजिए आप, ठीक है, K2SO4 हो गया, एलमोनियम सल्फेट एलमोनियम का सल्फेट हो गया, 24H2O, इस तरह से अगर आप फॉर्म करते हैं सारे सॉल्ट। देखिए एक सॉल्ट पोटासियम सल्फेट है, दूसरा सॉल्ट एलमोनियम सल्फेट है, एंड कुछ मॉलिकल्स ऑफ वाटर्स कंबाइन करके आपको एक नए टाइप का सॉल्ट मिल रहा है जिसको आप बोलते हो डबल सॉल्ट, इसी को बुलाते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। ध्यान दें बड़ा ही, हालांकि ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ यह कि इस सॉल्ट से आप वाकिफ भी हो, जैसे कि फिटकरी वगैरह का जो फॉर्मूला है यही एलम है, तो एलम इसी को बोला जाता है, ध्यान दें। तो अब इस बात इस सॉल्ट में और भी खास बात होती है डबल सॉल्ट में, इसे और भी एग्जांपल हम लेते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट आप खासकर यूज़ करते हो, देखिए मोहर सॉल्ट आपने खासकर यूज़ किया होगा जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, जहाँ पे आपने यूज़ किया हो ड्यूरिंग टाइट्रेशन, जब आप टाइट्रेशन करते हो, क्लास ट्वेल्थ की हम प्रैक्टिकल की बातें कर रहा हूँ, जब टाइट्रेशन करते तो वहाँ पर आप करते हो मोहर सॉल्ट अगेंस्ट आपका K-4 होता है, एक होता है आपका ऑक्सलिक एसिड वर्सेस K-4 पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इससे ऐसा नहीं कि नाम आपने नहीं सुना है, मोहर सॉल्ट का नाम सुना है, आप जब प्रैक्टिकल्स कॉपी भी लिखते हो, बुक लिखते हो प्रैक्टिकल्स कॉपी में, तो मोहर सॉल्ट का देखते हो कि जिक्र आता है। तो मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है कि
फेरस सल्फेट ये होता है, फेरस सल्फेट और एमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और एमोनियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं 6H2, ये होता है मोर सॉल्ट। ध्यान देंगे, एक फेरस सल्फेट एक एमोनियम सल्फेट, दो सॉल्ट मिलके एक नया सॉल्ट बनाया जिसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए सॉल्ट को बनाना क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा, FeSO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तब जाके ये एक डिजायर्ड सॉल्ट देगा। जैसे मान लीजिए हम इसको यही बनाना था, तो देखिए इसके रेशियो को मेंटेन किया गया है ये बनाने के लिए, इसका रेशियो भी एक है, इसका भी एक है, तब जाके ये बना। तो इस टाइप से हम लोग बना, अगर ये दो लेंगे तो इसको भी दो लेना होगा, तब जाके ये बनेगा। तो एक फिक्स रेशियो में रखेंगे जो कि फिक्स, तब जाके हमारा डिजायर्ड सॉल्ट बनेगा, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। और भी होता है, जैसे कि एक होता है कैर्नलाइट जिसको बोलते हैं, एक होता है कैर्नलाइट जिसकी केस आपका होता है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और ट्वाइस H2, ये होता है, इसको बोलते हैं कैर्नलाइट। ये चीज़ है, तो ये सब क्या है, डबल सॉल्ट है। देखिए एक पोटासियम क्लोराइड भी है और एक मैग्नीशियम क्लोराइड, डेट इज़ कॉल्ड डबल सॉल्ट। अब बात आती है एक और भी बात है कि डबल सॉल्ट होता है अगर आप उसको वाटर में डालते हो, आयोनाइज करते हो। अगर डबल सॉल्ट को हम आयोनाइज करेंगे, सपोज कोई भी आप डबल सॉल्ट उठा लो इसको आयोनाइज करेंगे, तो जब आयोनाइज करेंगे ना तो क्या होगा कि सारा आयंस के हमको इंडिविजुअली अलग अलग मिलना शुरू होगा, सेपरेटली मिल जाएगा, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा फ्रीली, बहुत आसानी से हमको सारे आयन मिल जाएंगे। से बताइए मान लें हमारे पास इसमें है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आयन मिलने का, के प्लस मिल जाएगा हमको इजिली, सल्फेट का आयन इजिली मिल जाएगा, इससे हमको Al3+ मिल जाएगा इजिली, फिर इससे हमको SO4-2- इजिली मिल जाएगा। तो जो भी हमको आयन से बड़ा आसानी से मिलने वाला है इन केस ऑफ डबल सॉल्ट, कोई भी आयन के होगा एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहने वाला है, बिल्कुल ये अलग हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और आसानी से ये क्या कर सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। तो अब देख, अब बात आती है, अब इसको देखते हैं मोहर सॉल्ट की कुछ बातें करता हूँ। तो मान लें इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या क्या मिल सकता है, Fe2+ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एमोनियम आयन मिलेगा NH4+, फिर सल्फेट आयन मिल गया SO4-2-। तो इस तरह से क्या होगी, ये सारे आयन्स डबल सॉल्ट में आपको फ्रीली मिलने वाला है। तो ऐसे क्लास ऑफ सॉल्ट को क्या बुलाइएगा आप, डबल सॉल्ट। कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट डिकम्पोजेस कम्प्लीटली, दूसरी बात है कि डबल सॉल्ट इज डिसकम्पोज ऑफ टू और मोर सॉल्ट, कंबाइन करता है टू और मोर सॉल्ट इन स्टिक्योमेट्रिक रेशियो, तब जाके डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको मिलाता हूँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए ध्यान लीजिए कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, डबल सॉल्ट हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये बताऊंगा मैं आपको, देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देंगे कि सॉल्ट क्या होता है। देखिए सॉल्ट का मतलब ये होता है कि केटायन एनायन से तो जरूर बना हुआ रहेगा। आप बात करो कि सॉल्ट में तो कोई भी सॉल्ट है कंपोज्ड ऑफ केटायन और एनायंस, तो यहाँ पे जो हुआ ये सॉल्ट, सबसे पहली बात है कि पूरी तरह टूटेगा नहीं, पहले तो पॉइंट हो गया कि डू नॉट डिकम्पोज कम्प्लीटली, डिकम्पोज कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली ये टूटेगा, ये भी आप कह सकते हो कि सारे आयन्स जो होंगे फ्रीली आपको मिलने वाला है यहाँ पे नहीं, कुछ ना कुछ आयन कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, क्लियर, कुछ ना कुछ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा आयन्स, सारा आयन्स फ्री होके नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कि जो भी होगा केटाइनिक पार्ट होगा, एक केटाइनिक पार्ट होगा और दूसरा होगा एनायनिक पार्ट, कोई भी सॉल्ट का दो पार्ट होता है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, एक केटाइनिक पार्ट होता है और एक होता है एनायनिक पार्ट। केटाइनिक पार्ट का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, एनायनिक पार्ट का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। तो केटाइनिक पार्ट या एनायनिक पार्ट में से कोई एक पार्ट क्या होगा, कोई भी एक पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, एनी वन ऑफ दिस,
एनी वन ऑफ दिस मे बी कॉम्प्लेक्स पार्ट. कहता है कि एनी वन ऑफ दिस कैटायनिक, एनी वन ऑफ द कैटायनिक आइदर एनायनिक मे बी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सकता है. कोई एक नए कॉम्प्लेक्स पार्ट जरूर होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, इसे मैं लिख दिया पोटासियम फेरोसाइनाइड. ये कॉमन नेम है, ऐसे नहीं है, इसका आईपीसी नेम बाद में देखेंगे. तो पोटासियम फेरोसाइनाइड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 4K+ और फेरोसाइनाइड आयन कुछ इस तरह से मिलने वाला है. इज इट क्लियर? 4 का माइनस. तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया. तो अब कॉम्प्लेक्स पे क्या आ गया? नेगेटिव. कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये. तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं. जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब टोटल कलेक्टिवली जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट. हो सकता है कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव हो सकता है, या हो सकता है कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव. इसे मैं यहाँ पे लिख दूँ. अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ कि ये वाला ऐसा, तो हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट. अगर देखिए इधर वाला पॉजिटिव था, पोटासियम इधर वाला नेगेटिव, सीएल माइनस होगा तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, इधर वाला पार्ट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पार्ट आपका पॉजिटिव होगा. इस तरह से ये पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो यही चीज है यहाँ पर. तो इससे क्या पता चला? हो सकता है कि ये पार्ट आइदर कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो. किसमें? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में. हो सकता है ये कैटायनिक हो या फिर एनायनिक. तो इसमें क्या होगा? अगर कोई एक पार्ट, ध्यान दें, कोई एक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, चाहे कैटायनिक और एनायनिक. ध्यान दें, अगर मान लें कि यही पार्ट कैटायनिक, ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, तो कैटायनिक वाला पार्ट क्या हो गया? पोटासियम आयन तो फ्रीली मिल गया, पोटासियम आयन तो फ्रीली मिल गया. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था, देखिए ध्यान देंगे, Fe(CN)6⁴- ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट के अंदर दो दो आयन इसी तरह से लगा हुआ है, मतलब कि कंबाइंड है, वो अलग नहीं हो पाया. इसके भी अंदर Fe2+ है, यहाँ भी CN- है, तभी रिजल्टेंट चार्ज कुछ भी आया हो, इसकी वजह से ही आया होगा ये रिजल्टेंट चार्ज जो भी यहाँ. तो यहाँ देखिए, तो ये आयन आपको नहीं मिला, ये आयन कैसा रह गया? कंबाइंड स्टेट में रह गया. और वो कब होगा कंबाइंड स्टेट में? आइदर नेगेटिव पे नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स हो या फिर पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स हो. सपोज इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, यही है. इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखिए आयन्स बहुत, मान ली कोबाल्ट का आयन्स होगा, इसको अगर अलग करके देखें तो ये 3Cl- तो हमको मिल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं. 3Cl- आसानी से मिल गया, Cn- मूव भी कर रहा है Cl-, क्योंकि अकेला है, इंडिपेंडेंट है. अब यहाँ पे देखें कि अगर कोबाल्ट लेते हैं, NH3 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 3+ जो भी है, यहाँ पे 3 है, ध्यान दें. तो इससे क्या होगा? देखिए यहाँ इसके अंदर कोबाल्ट भी, सब कोबाल्ट का आयन है, तो ये सब आयन क्या है? इसी के साथ लगा हुआ रहेंगे. तो ऐसा है, बहुत सारे मिलेंगे. इसे मान लें कि ऐसा लिख दिए CO NH3 F2 Cl O, बहुत सारे यहाँ पे, ध्यान देंगे इस तरह से चीज़ निकालेगा. एफ है, Cl है और O है, इस तरह से लिख. देखिए मान लें कि इस पे को हम चार्ज दे देंगे सपोज, यहाँ पे तो ध्यान देंगे कि जब ये क्या होगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब क्या हुआ? कंबाइंड स्टेट में रहेगा, कंबाइंड स्टेट में रहेगा, फ्री नहीं होगा. तो ऐसे सॉल्ट को आप क्या बुलाओगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बुलाओगे. इज इट क्लियर? ऐसे को क्या बुलाएंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बुलाएंगे, इसका कि कैटायन और एनायंस भी कुछ कंबाइंड स्टेट में, मीन्स आयंस कंबाइंड स्टेट में मिले. तो आई थिंक आपको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में मैंने बताने की पूरी कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा. और ध्यान रहे कि ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और डबल सॉल्ट, हमको चैप्टर में क्या मिलने वाला है? टोटल का टोटल सारा कुछ मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलने वाला. तो छाया हुआ रहेगा इस टाइप का कंपाउंड, आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं इस टाइप का जो कंपाउंड.
बहुत सारा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड बहुत है। ये पूरे चैप्टर पे यही कंपाउंड इस चैप्टर पे राज कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे कैसे क्या पहचानेंगे, सिर्फ ये बता के मैं छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ध्यान देंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे मेन चीज़ है, पहले भी इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बड़ा जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का जरूरत पड़ता है, ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आप कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आना ही जाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए सबसे पहले यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला किसको जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको कहते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस, सेंट्रल मेटल एटम या फिर मेटल आयंस इज बाउंडेड बाय नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कहता है कि मैं लिख देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और इसका आयंस इज बाउंडेड, कहता है बाउंडेड बाय नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे एनायन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाउंडेड होंगे सेंट्रल मेटल एटम और उसके आयंस। याद रखें कि सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट होगा सेंट्रल मेटल एटम। वो आइदर आयरन हो, निकल हो, कॉपर हो, जिंक हो, क्रोमियम हो, कुछ भी हो, प्लैटिनम हो, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है इसमें सेंट्रल मेटल एटम में। ये सब सिल्वर मिल सकता है, प्लैटिनम मिल सकता है, मरकरी मिल सकता है, जो भी आपका रोडियम मिल सकता है, तो जो भी आपके डीप ट्रांजिशन एलिमेंट है, डीप ब्लॉक्स एलिमेंट है, वो क्या करेगा, एक्ट करेगा सेंट्रल मेटल एटम के जैसा, सेंट्रल मेटल एटम के जैसा एक्ट करने वाला। मान ले सपोज यही है आयरन, मान ली चलता हूँ सपोज ये आयरन इस तरह, तो ये सेंट्रल मेटल एटम होगा। इसके जो आसपास होंगे, इसके आसपास कोई भी चॉय रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, ठीक है, या फिर चलिए भी कोई ए रहे, ए प्रकार के या सी डी रहे, ऐसा है ए बी सी डी सपोज ऐसा है। तो ये देखिए कि सेंट्रल मेटल एटम से क्या है, ये और ये बॉन्डेड, ए रहे, बी रहे, सी रहे, ए है, बी है, सी है, ध्यान रखिए। अगर ए है, बी ए है, तो सेम प्रकार का कोई भी चीज़ हो, मान लें यहाँ पे हम सी एल रखूँ तो यहाँ भी सी एल रखें, सी आर बी है यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो यहाँ पे चाहे ये रहे कोई भी ए रहे, ए किसके जैसा ट्रीट होगा, इसके जैसा, एल के जैसा, वो मैं बात करूँगा आगे बताएंगे इसके बारे में। ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल के जैसा, एल होता है एक लाइगेंड जिसको बोलते हैं, आगे इसके विषय में चर्चा होगी। लाइगेंड बोला जाता है सिंपल से याद रखें, आपका इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स को बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है, रिच रहता है, वो चाहता है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। ये डोनेट कहाँ पर होता है, कहाँ पे होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, डी ऑर्बिटल के अंतर्गत, ठीक है, तब जाके वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और इट्स आयन, ठीक है, बाई अ नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यही है आपका, इस तरह से ए बी सी डी को करते हैं, ये ए बी सी, ए बी सी जो लिखा हुआ है, मे बी बाउंडेड बाई एनायन, ये एनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, हो सकता है सी एल रहे, एनायन है, बी आर माइनस है, सी एन माइनस है, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अमोनिया आता है, NH3 हो गया, वाटर आ गया, बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कार्बोनिल आ गया,
बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये जो बॉन्डेड हो, ये बॉन्डेड हो, इसके चारों ओर क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, नंबर ऑफ एनायन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल इस सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड हो सकता है कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। उसका काम ही है कि सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। इसीलिए डी ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ, जो डी ऑर्बिटल के, डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान देंगे। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन का। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ और भी तरीके से, ध्यान देंगे। पहले हमारे पास कोई आ गया सी ओ एन एस थ्री हो गया, ये आपका सी एल टू हो गया, ठीक है, ये सी एल टू है, ध्यान देंगे। और यहाँ पर मैं लिख दूँ सी एल टू है और यहाँ पर सी एल, इस तरह। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये सारा क्या है, हमारे ऐसा भी लिखेंगे, तो इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम 2+ लिख रहे हैं, तो ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल। अगर मान लें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने सिखा दिया हूँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे तो 2 क्या कितना आएगा, आप ध्यान देंगे कि कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लें कि यहाँ पे इस तरह से सीएल में लिख रहा हूँ, तो इधर अगर इसको एक्स मानेंगे, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस जीरो हो जाएगा, क्या है कि अमोनिया को, अमोनिया में क्या आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू +2, और इधर वाला जाएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे सी ओ +3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किससे किससे कोऑर्डिनेटेड है, देखिए ध्यान दें, एक अमोनिया है यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने वाला, दो एमोनिया कोऑर्डिनेट कर रहा है, सपोज यहाँ पे एन एच थ्री। मैं स्ट्रक्चर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बात होगी बाद में, ये हो गया सपोज। मान लें कि यहाँ पे मैं लिख दिया सी एल, यहाँ पे लिख दिया सी एल, ठीक है, ऐसे देखने में लग रहा होगा स्क्वायर प्लेनर, तो इसलिए अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखिए ये कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, तो चारों तरफ से क्या आपको दिखा, एनायन, एनायन दिखा है, सी एल माइनस बॉन्डेड है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बॉन्डेड है, ठीक है, ये चीज़ है, समझिए। इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस तरह से अरेंज होता है। और भी देखा जाए, और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे पोटासियम फेरोसाइनेट, काफ़ी यौगिक के 4FeCN6, बाद में पता चलेगा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है कि आपका स्क्वायर प्लैनर है, वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आगे करेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम है, सपोज ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इस तरह से कोऑर्डिनेट है। तो सी एन माइनस सी एन है, सी एन माइनस 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 है, सी एन माइनस, तो इस तरह से क्या है कोऑर्डिनेटेड, सब क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से इसको कर सकते कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं करूँ इस पर चार्ज क्या आएगा, अगर ये ब्रैकेट लिखा हो इस पर चार्ज क्या आएगा, तो आप चार्ज आने के लिए क्या हो जाएगा जान देंगे, इसको तोड़ दीजिएगा 4K+ और FeCN6⁴-, तो 4- आप यहाँ लगा सकते हो, ये चार्ज इसका है। तो ये चीज़ है, मैं बता दिया कि इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोला करते हैं, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर से बोल रहे हैं कंडीशन कंपाउंड ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम या फिर मेटल्स आयंस बॉन्डेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, डी ब्लॉक होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट करेगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, लेक्चर नंबर 0 में बताया, और ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शायद आप लोग जानते भी होंगे, बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, तो ये चीज़ है। एक चीज़ मैं आप बता के आपको छोड़ना चाहूँगा कि किसको क्या क्या कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। जब मान लें कि एक बात आती है, जैसे कि यहाँ पे K4 है, Fe है, Cl है, Hol6 है, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे जो ध्यान देंगे, इसको बोला जाता है स्क्वायर, जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से ये मशहूर है। इसको बोलते हैं जो बाहर में होता है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको काउंटर आयन बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर,
इसको हम लोग काउंटर आयन के नाम से जानते हैं, या फिर आयोनाइजेशन एस्फीयर इसको बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एस्फीयर, काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन एस्फीयर, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ये हुई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एस्फीयर, कोऑर्डिनेशन एस्फीयर इसको बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, शॉर्ट में आप सी एम ए भी लिख सकते हो, सेंट्रल मेटल एटम। ये मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ये देख रहे हैं इसके सेंट्रल मेटल के, मेटल एटम के अलावे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होंगे, कोई भी चीज मौजूद होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मौजूद होंगे सेंट्रल मेटल के अलावे, वो कहलाएगा लाइगेंड। क्या कहलाएगा? लाइगेंड। तो ये जो है क्या कहला रहा है? लाइगेंड कहलाएगा। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के अलावे कोई भी चीज है वो कहलाएगा लाइगेंड। और कहता है जितने ये नंबर ऑफ लाइगेंड जो है, नंबर ऑफ लाइगेंड, अभी फिलहाल आप जानिए नंबर ऑफ लाइगेंड वो क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। थोड़ा सा और अच्छा से हम लिखते हैं, या तो नंबर ऑफ लाइगेंड या फिर नंबर ऑफ डोनर साइट, डोनर साइट, नंबर ऑफ डोनर साइट क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे इस कंपाउंड का तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। क्या कि कितना है सी एन माइनस कितना है, मतलब ये मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में डोनर साइट 6 गो है, 1, 2, 3, 4 छः साइट, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6 साइट, और 6 साइट से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 6 तरफ से मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? सी एन बराबर 6 हो गया। इज इट क्लियर? अब फिर से मैं बोलता हूँ, ये सारे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूडिंग स्क्वायर ब्रैकेट सारा को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी होगा आयनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन उसको बुलाया जाएगा, आइदर वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव आयन हो, उसको क्या बुलाएंगे हम? काउंटर आयन। इसको बुलाएंगे सेंट्रल मेटल एटम, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, उसको तो पहचान लीजिएगा और बनाते बनाते पहचान भी जाएगा प्रैक्टिस से। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या कहलाएगा आपका? ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। सेंट्रल मेटल एटम के अलावा कोई भी चीज़ हो इस ब्रैकेट के अंदर, कोई भी चीज़ हो, क्या कहलाएगा? लाइगेंड कहलाएगा। वो कहलाएगा लाइगेंड। लाइगेंड मतलब सिंपल भाषा अभी जानिए, लाइगेंड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए, डोनेट करने के लिए। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समझ गए? नंबर ऑफ लाइगेंड या फिर नंबर ऑफ डोनर साइट, कितने जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, कितने जगह से इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को जा रहा है, कितने जगह से, तो उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले हमको पैसा 5 जगह से मिल रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 5। हमको पैसा 2 जगह से मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। हमको पैसा 10 जगह से मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 10। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 10 नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, ये चीज़ होगी आपको। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की, खासकर ये चीज़ कवर हो गया कि आप कोऑर्डिनेशन हर एक को क्या क्या बुलाएंगे इसमें। ये दूसरी बात कि इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जब आप इसके बाद आगे बढ़ोगे, कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन निकालना, प्रीवियस वीडियो मैंने बता के रखा, उससे इसको आपके जाके देख लेना, बिल्कुल क्लियर ये समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार ऑक्सीडेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। इसको पोटासियम हो जाएगा 1 × 4, का एक पोटासियम पे 1, 4 पोटासियम आयरन का निकालना है तो साइनाइड पे 6, एक साइनाइड पे कितना होता है माइनस का, वो इक्वल टू 0, तो 4 हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस 2, ये प्लस 2। और याद डाल लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, थोड़ा रोमन में लिखेंगे हम लोग आगे जाके। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आई, क्लियर। तो इसको आप देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।